वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। परसेंट के उछाल के साथ ट्रेड, लेकिन सतपुर साहब ओपनिंग कैसी लगी? 50 पॉइंट नीचे, 240 245 वाला निफ्टी अब 335, 50 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी अब 30 40 पॉइंट ऊपर, 80 90 पॉइंट इनिशियल लो से घुमा। फ्रेजाइल रिकवरी है ये मैं मानता हूं, पर कौन से की लेवल्स होंगे जिनके ऊपर निकले तो आपको स्ट्रेंथ की कंफर्मेशन मिलेगी, आप अपने लॉन्ग इनिशिएट करना चाहोगे निफ्टी पे? आशीष जी देखिए, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था 16,200, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। कल भी मैं इसलिए 16,200 के आसपास थोड़ा सा रुक गया था कि नहीं यहाँ पे ज्यादा मंदी होगी नहीं। रही बात आज की, तो देखिए आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा 16,300, जहाँ पे पुट राइटर खड़े हैं एक्सपायरी के हिसाब से अगर आप सोचे तो 16,300 पे थोड़ी फाइट है। तो 16,300 अगर सस्टेन करता है तो मेरे हिसाब से इंट्राडे बाजार रिकवर करेगा तो 16,450 तक मुझे लगता है कि आराम से चला जाएगा, जहां पे एक सप्लाई पॉइंट था, पहले भी था। तो 16,300 के ऊपर 16,450 से 16,500 मुझे लगता है ये बाजार में रेंज निफ्टी में उभर के आएगी। रही बात स्टॉक्स की, तो देखिए नजर एक रखना पड़ेगा एक रिलायंस पे, और ज्यादातर जो होगा वो मिड कैप्स पे होगा। तो मेरे हिसाब से अगर कुछ यहाँ पे लॉन्ग ही करना है तो फिर मुझे लगता है कि देन आई वुड लाइक टू गो विद रिलायंस ओनली, क्योंकि 2500 के आसपास रिलायंस का 100 DMA का सपोर्ट है। हालांकि इनिशियल टिक में थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है, तो ये 2500 का लेवल अगर रिलायंस आज सस्टेन करता है तो प्रोबेबली रिलायंस ही बाजार को सपोर्ट देगा और एक रिलीफ रैली ट्रिगर करेगा जो रिलायंस को फिर से 2580 से 2600 तक लेके जाएगा। तो नजर रखे रिलायंस पे, जो इसका सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 2500। रिलायंस तो खैर स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर साहब का